आपको पता है मार्केट में एक बहुत ज्यादा अच्छी क्रीम आई हुई है, मुझे वो लेनी ही लेनी है, चाहे कितने की भी हो। इतने अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं उनको, मतलब जो भी यूज कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, तो मैं वो जरूर लेके आऊंगी। मुझे नहीं पता, मुझे जरूर लेनी है वो वाली क्रीम, उससे मेरे को जो पिगमेंटेशन हो रही है बहुत ज्यादा, मैं इससे परेशान हो गई है, उसमें मुझे बहुत आराम मिलेगा जल्दी से। चाहे वो कितने भी हो, जरूर लेनी है मुझे, क्योंकि अमेजिंग क्रीम है, बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं, चाहे हमने देखे हैं नहीं देखे हैं। तो मैं जॉब भी करती हूँ, घर का काम भी सारा करती हूँ, तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता कि मतलब मैं घर पे फेस पैक वगैरह बनाऊँ या रेमेडी बनाऊँ। मैं महंगी से महंगी क्रीम ले सकती हूँ, या कोई भी पैक आया है मार्केट में उसको मैं सबसे पहले लेके आती हूँ, चाहे मुझे उससे आराम मिले चाहे ना मिले, मतलब एक बार तो मुझे यूज करके देखना, चाहे वो कितने का भी आया है, मुझे लेना है, मेरी पॉकेट में भारी पड़ रहा है, पर मैं बना नहीं सकती। घर पे भी कई बार क्या करें, ऑयली फूड खाना ही पड़ता है, बाहर का खाना, ओयली बाहर का खाना खाना ही पड़ता है, हमें टाइम नहीं लगता बनाने के लिए। लाइफस्टाइल हमारा ऐसा खराब रहेगा ना, तब तो स्किन की क्या, मतलब हेल्थ के इश्यू आपको आते ही रहेंगे, चैलेंजेस आते ही रहेंगे, आपको कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करेगी। मैं आपके लिए दो वीडियो की सीरीज लेके आई थी, एक वीडियो मतलब पहले पोस्ट हो चुकी है, सेकेंड वीडियो है ये वाली इस सीरीज की, दो वीडियो की सीरीज में लाई थी, तो ये सेकेंड वीडियो है, इसको भी अच्छे से डिटेल में देखें। तो पिगमेंटेशन की, खाली स्पेशली पिगमेंटेशन की, पहले मैं मतलब कई एक्ने स्कार्स वगैरह की लेके आई थी, खाली पिगमेंटेशन के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि वो मेरे पास बहुत कॉमेंट आ रहे थे कि मैम पिगमेंटेशन के लिए कुछ बताइए। तो मैं स्पेशली दो वीडियो की सीरीज आप लोगों की डिमांड पर लेके आई हूँ, जिससे अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हेलो माई ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल फैमिली, ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो माई ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल टिपिकल हेल्थ। टिपिकल हेल्थ पे मैं अनुपमा जैन आपका हाथ जोड़ के स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल पर आपको हर तरह की रेमेडी देखने को मिलती है, चाहे वो स्किन केयर है, हेयर केयर है, या फिर हेल्थ केयर है। इसलिए आपको मतलब एक ही चैनल पे हर तरह की रेमेडी देखने को मिलती है, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है या हेल्पफुल लगता है, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। सब्सक्राइब रेड कलर का बटन है, उसे ऑन कर दीजिए, उसके बाद बेल ऑन हो जाएगी, बेल को आपको हिट करके तीन ऑप्शन खुलेंगे, उसे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए, तो आपको क्या करना है, ऑल पे सेट करना है। सबसे पहले रेमेडी आपको, सबसे पहले रिजल्ट मिलेंगे, और आपको जल्दी से क्या करना है, ऑल पे सेट करना है। फ्रेंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में मेरे साथ कमेंट भी जरूर शेयर करें, आपको पता ही है उससे मतलब रेमेडी भी ज्यादा वर्क करती हैं। आप मुझे बताते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी बताएं और फ्यूचर के टॉपिक भी बताएं और रिजल्ट भी बताएं। मतलब मेरी आई कोलेस्ट्रॉल की वीडियो को तभी धमाकेदार रिजल्ट मिले हैं कि लोगों ने मेरे साथ शेयर भी बहुत की है, प्रॉब्लम भी शेयर की है, मैंने आपके साथ हमेशा स्क्रीनशॉट शेयर भी किया है, 120 केस के ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं इंस्टा पे भी मतलब न्यू अपडेट डालती रहती हूँ। मेरा इंस्टा हैंडल है, नीचे फ्लैश हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, टिपिकल हेल्थ 1502। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैंडल उसका लिख दूंगी, मतलब आपको यहाँ स्क्रीन पे मतलब आपका मिस हो जाता है तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका हैंडल दे दूंगी, वहां पे आप मुझे मतलब जरूर फॉलो करें, आपको नई नई अपडेट मिलेंगी। मेरे को पर्सनल तौर पर जानना चाहते हैं तो वो भी आपको न्यू अपडेट मिलेंगे वहां पर, इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। वो खूबसूरत और बेदाग स्किन कौन नहीं चाहता, पिगमेंटेशन इतनी खराब लगती है ना, और वो हमारे लाइफस्टाइल खराब होने के कारण होती है, हम खुद ही करते हैं उसको, मतलब बाहर भी जाते हैं तो सनबर्न के कारण भी हो जाती है, डस्ट के कारण भी हो जाती है। अगर आप घर पे आके स्किन की केयर नहीं करेंगे, बस केमिकल ट्रीटमेंट करते रहेंगे या फेस क्रीम लगाते रहेंगे, क्लीन नहीं रखेंगे, या फिर होम रेमेडी को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो परमानेंट आपको रिजल्ट मिलते हैं, और आपको हेल्दी लाइफ मतलब हेल्दी लाइफ जरूर आपके मतलब करनी है, अपनी लाइफ स्टाइल अपना चेंज करना है, मतलब हेल्दी फूड खाना है। हमेशा मैं बताती हूँ कि हेल्दी फूड खाएं और डाइट में मतलब इन चीजों को शामिल करें, लीफी वेजिटेबल को, फ्रूट्स को, ज्यादा फाइबर को और मोटा अनाज अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, ये मतलब फैक्ट है बिल्कुल। आप मतलब इन चीजों को मानेंगे ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, और आप फेस जाते हैं बाहर धूप वगैरह में, सनटैन से भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको फेस को थोड़ा सा कवर करके जाना है, और आने के बाद फेस को रात को क्लीन भी करना है, दोपहर में दोपहर को क्लीन करें और रात को भी क्लीन करके ही सोएं। ये मेरी जबरदस्त टिप है दोनों वीडियोस के लिए, मतलब इस सीरीज की दोनों वीडियो के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइफस्टाइल जरूर अपना चेंज करना है, तभी आपको जबरदस्त रिजल्ट रेमेडी के मिलेंगे। ना मिले तो मुझे कहना कमेंट बॉक्स में आके, ऐसा हो ही सकता है रिजल्ट ना मिले। और आधे से एक घंटा वर्कआउट जरूर निकालें करने के लिए, मतलब करने के लिए टाइम जरूर निकालें, वर्कआउट करना है और कुछ नहीं, आपको योगा वगैरह नहीं करना या हैवी वर्कआउट आपसे नहीं किया जाता, तो आपको क्या करना है, बस वॉक ही कर लीजिए, 20 मिनट से स्टार्ट करें, क्योंकि शुरू में थकान ज्यादा हो जाती है। तो मेरे ये टिप आपको जरूर फॉलो करने हैं, दोनों वीडियोस के लिए हैं ये टिप्स, मैंने उस वीडियो में भी इन टिप्स को इंक्लूड किया है, मैंने आपको बताया ही था कि मैं आगे आपको बताऊंगी डाइट प्लान आपको कैसा रखना है,
फ्रूट वेजिटेबल, ज्यादा पानी पीना है, ऑयली फूड का सेवन नहीं करना है, कभी पास महीने में एक दो बार हो जाता है, और खासकर ट्रीटमेंट करते वक्त तो आपको एक बार बंद करना ही करना होगा बिल्कुल। और आगे भी लाइफस्टाइल आपको पता है कि ठीक करना है आगे, भाई ना हो प्रॉब्लम स्किन की, कोई प्रॉब्लम हो या हेयर फॉल का ना हो, तो आपको लाइफस्टाइल ठीक करना ही होगा। तो आपको क्या करना है, मतलब हो सकता है भाई ठीक होने के बाद आप वंस इन ए वीक कर सकते हैं कोई भी चीज खानी है, ऑयली फूड और तो और पराठे भी ना खाएं, और शुगर से अपनी डाइट को कट जरूर करें, हटा दें शुगर को, क्योंकि शुगर का कोई भी मतलब, इतनी कैलोरीज इतनी भर भर के होती हैं, जीरो हमारा मतलब बेनिफिट होता है बॉडी के लिए या हमारी हेल्थ के लिए। तो इन चीजों का आपको जरूर फॉलो करना है। इमिटेशन हो या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, मतलब बहुत खराब लगती है, बेदाग त्वचा हम चाहते हैं, तो मैं आज आपके लिए इतनी आसान टिप्स लाई हूँ, मतलब बहुत ज़बरदस्त टिप्स, वो आप इजीली तरीके से ये वाले भी कर पाएंगे जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताए थे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली रेमेडी में आपको करना है जीरा ले लेना है। जीरा हम घर में यूज़ करते हैं, छोंक भी लगाते हैं उसके अंदर सब्जियों में, और टेस्टी भी कितना लगता है। तो आपको 2 चम्मच जीरा ले लेना है और 1 गिलास पानी ले लेना है। अच्छे से पानी को बॉयल कर लें, खूब अच्छे से बॉयल कर ले, कलर आ जाता है ब्राउन ब्राउन सा, तो फिर आपको बॉयल करने के बाद 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, 1 से 1.5 गिलास पानी ले लीजिए और 2 चम्मच जीरा, बॉयल करके आप उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तो उससे फेस पे उसे अपने अच्छे से अप्लाई कर लें या वॉश कर लें, ऐसे करके जैसे पानी मारते हैं फेस के ऊपर डालते हैं, ऐसे वॉश करते हैं, ऐसे वॉश कर लीजिए। और उसको क्या करना है, ये कहेंगे मैम ये कैसी रेमेडी बता रहे हो आप, खाली वॉश करने से क्या हो जाएगा, तो आपको वॉश करके ऐसे का ऐसा एज इट इज ही छोड़ देना है, आपको फेस को मतलब नॉर्मल पानी से वॉश नहीं करना। उसके बाद आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट उसको रहने देना है, आप देखिएगा इतने मिराकल रिजल्ट आपको मिल जाएंगे ना। आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे और फ्रेंड फैमिली में भी जरूर शेयर करेंगे इन रेमेडीज को। जी हाँ, इतने मिराकल, इतने जबरदस्त, इतने धमाकेदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। 15 से 20 मिनट रखने के बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, आपको मतलब 3 से 4 बार में हल्के हल्के से मतलब लाइट होने लगेंगे आपकी पिगमेंटेशन झाइयाँ। सेकेंड रेमेडी में आपको क्या करना है, फ्रूट्स का बनाने जा रही हूँ। फ्रूट आपको कौन सा चाहिए, सबसे पहले जो मतलब हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसको हम कहते हैं कि डेली खाएं तो बीमारियां दूर रहेंगी, डॉक्टर के पास हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 एप्पल हमें जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये मैं भी डाइट के अंदर आपको बताऊंगी, जरूर खाएं 1 एप्पल को। आपको क्या करना है, एप्पल ले लेना है, आधा पीस ले लीजिए, आधा पीस सफिशियंट रहेगा। आधा पीस लेके आपको उसका छिलका अच्छे से वॉश कर लें पहले, और कट करके आधा पीस लेके आपको उसका छिलका मतलब नहीं उतारना, छिलका नहीं उतारना, आपको उसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं और उसको पल्प बना लेना है, पीस लेना है। मतलब ये रेमेडी नहीं बनी है, उसके बाद हमें सेकंड इंग्रेडिएंट क्या चाहिए, सेकंड फ्रूट क्या चाहिए। फ्रूट का मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, पपाया, जो हमारे पेट के लिए डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पपाया को भी ले लेना है, इतना ही पीस ले लीजिए, इतना पीस उसे कट करके और उसका भी पल्प, इन दोनों को मिक्स कर लीजिए फिर, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके आपको क्या करना है, फेस को क्लीन करके नेक तक अच्छे से अप्लाई कर लेना है। नेक पर अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको 20-25 मिनट मतलब इसको जरूर छोड़ें, जैसे मैं 15-20 मिनट कहते हैं, 20 से 25 मिनट, आधा घंटा भी रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा ड्राई नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिएगा, ड्राई होते ही आपको वॉश कर लेना है, हल्का सा स्क्रब जरूर करें। उतारते हैं ना कोई भी पैक को जो ड्राई होता है, तो हल्का सा गीला करके रब जरूर करें। वॉश करने के बाद ये फ्रूट आपको बताइए, फ्रूट्स में विटामिन मिनरल्स भर भर के होते हैं, और सेब और पपाया के तो कहने ही क्या है, हमारी हेल्थ के लिए भी इतना जबरदस्त होता है, पेट आपका डिस्टर्ब रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो आप पपाया को डेली अपनी डाइट में शामिल करें। पपाया और एप्पल बिल्कुल जबरदस्त हैं, और फ्रूट्स को चेंज कर कर करके खाएं, हर एक विटामिन, हर एक मिनरल्स, आज का मतलब ये टिप है आपके लिए, ठीक है, इनको जरूर शामिल करें, मतलब आपको बहुत जबरदस्त निखार मिलेगा। या पल्प, या आप जो रेमेडी वर्क करें, मतलब फ्रूट की जो मैंने आपको बताई है पल्प, अब इतना जबरदस्त वर्क करेगा ये आपके फेस पर, पिगमेंटेशन पर जाएंगे। अब आई है हमारी थर्ड रेमेडी की, थर्ड पैक की, उसके लिए जो हमारी मतलब सब्जियों का राजा होता है वो हमें चाहिए। सब्जियों का राजा क्या होता है आपको पता ही है, सबसे आलू, आलू को आपको ले लेना है, 1 आलू ले लीजिए, उसे अच्छे से वॉश करके उसका पिल उतार लीजिए, छिलका उतार लीजिए। फिर आपको क्या करना है, उसको कद्दूकस कर लेना है, या फिर उसके छोटे छोटे पीस करके उसको कट करके पीस भी सकते हैं मिक्सी में, वैसे आप कद्दूकस कर लेंगे 2 मिनट में बन जाता है उसको, फिर आपको स्क्वीज कर लेना है, निचोड़ लेना है, इतना निकाल लीजिए, ठीक है, इतना रस निकाल लीजिए जितने हमारे फेस के लिए सफिशियंट हो। उसे अपने फेस पर, क्लीन फेस पर अप्लाई करें और 15 से 20 मिनट छोड़ देना है सिर्फ। ये इतनी सिंपल रेमेडी है, ये सबसे सिंपल रेमेडी,
झाइयों पर बहुत जबरदस्त बहुत मिराकल वर्क करती है और आपको करनी कितनी कितनी बार है ये रेमेडी, अब मैं आपको ये बताऊंगी, ये भी टिप इसमें शामिल कीजिए। 2 से 3 बार, मैं तो कहूंगी 3 बार जरूर शामिल करें, 3 बार जरूर आपको करने हैं ये पेपर, ये पैक लगाने हैं। एक पैक एक बार में ही यूज करें, एक रेमेडी को हमेशा एक बार में ही यूज करें। हेल्दी डाइट बस साथ में ले, ऑयली फूड से आपको दूर रहना है, तो आपको ये रेमेडी के जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप सारी टिप मेरी फुल पैक को लगाएंगे ना, इतना जबरदस्त निखार मिलेगा आपको, मतलब एक बार में ही फर्क लगेगा, 2 से 3 बार में भी मतलब फर्क लग सकता है। कई बार जैसे हल्के हल्के निशान है तो आपको एक बार में ही रिजल्ट मिल जाएंगे, पर 2 से 3 महीने लगते हैं क्योंकि झाइयों वगैरह के निशान आसानी से नहीं आते, आसानी से आए भी नहीं थे ना, कितना टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा करके आते हैं तो हम उनके ऊपर ध्यान भी नहीं देते, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट रेमेडी के बारे में, उसके लिए आपको चाहिए गाजर। आपको एक गाजर ले लेनी है, उसे वॉश करके मतलब वेजिटेबल्स को पहले धोए जरूर, धोकर फिर उसका छिलका उतार लीजिए और इतना जूस निकाल लीजिए। गाजर आपको पता ही है टेस्टी भी लगती है, सर्दियों में तो मतलब बहुत ज़्यादा आ रही थी, अब भी मिल जाएगी आपको आसानी से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको एक गाजर का जूस निकाल लेना है। उसके बाद ये नहीं है कि ये खाली गाजर ही लगानी है, आपको सेकंड इंग्रेडिएंट, सेकंड सामग्री चाहिए, वो है जो मतलब हमारी स्किन के लिए मैंने पहले भी बताई है, रामबाण। स्किन के लिए भी, त्वचा के लिए भी और बालों के लिए भी, हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं, मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, उस गाजर के जूस में आपको कितनी मिलानी है, 1/2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर लेनी है। और उसमें एक इंग्रेडिएंट और चाहिएगा, इसमें थोड़ी सी मेहनत है पर आपको रिजल्ट भी मिराकल ही मिलेंगे। 3 से 4 बूंदे किसकी डालनी है, लेमन की यानी नींबू की, को निचोड़ लेना है इन दोनों चीज़ों के अंदर, और गाजर के जूस को और मुल्तानी मिट्टी और नींबू की 3-4 बूंदे यानी ड्रॉप्स अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पैक की तरह से बन जाएगा ये। और मुल्तानी मिट्टी मतलब थोड़ा पतला रहता है तो मुल्तानी मिट्टी को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, वैसे 1/2 चम्मच सफिशियंट रहेगी। और 2 चम्मच गाजर का जूस मतलब 2 से 3 चम्मच बहुत रहेगा। इन सब चीज़ों को मिक्स करके क्लीन फेस पर नेक तक और उसके बाद 15 से 20 मिनट आपको छोड़ देना है। उसके बाद ल्यूकम वाटर से रब करते हुए, स्क्रब करते हुए उतार लीजिए इसको। ल्यूकम वाटर भी यूज़ कर सकते हैं पर मैं तो ये कहूँगी फेस वगैरह के लिए ल्यूकम वाटर, मतलब ज़्यादा ठंड है तो कीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी के लिए कहती हूँ, कई बार नहीं मतलब जैसे ज़्यादा ड्राई हो जाए तो आपको मुश्किल हो रही है तो आप ल्यूकम वाटर लें, नहीं तो नॉर्मल पानी से ही हमेशा बालों को या स्किन को धोएं। नॉर्मल पानी यूज़ करते हैं ना तो उससे ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं, ल्यूकम वाटर से हमारा मतलब फेस थोड़ा डल हो जाता है, मतलब इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको सिंपल पानी से नॉर्मल वाटर से ही टैप के पानी से ही वॉश करना है, धोना है फेस को, और आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर भी करेंगे। तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लगती है या मेरे चैनल पर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब का बटन आपको ऑन कर देना है, उसके बाद बेल को हिट कर देना है, और लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाना, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और भी हार्डवर्क करने का और भी जबरदस्त वीडियो आपके लिए लाने का, ये टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं। कॉमेंट बॉक्स में भी रिजल्ट शेयर करने हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी जरूर शेयर करें, मैं उनके रिप्लाई हमेशा देती हूँ, और फ्यूचर के टॉपिक भी जरूर बताएं, फ्रेंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, उनको भी अच्छे रिजल्ट अमेजिंग रिजल्ट मिल जाएंगे। और आपको लाइक करने से आपको पता है मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाइए, थम्स अप का बटन ऑन कर दीजिए। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब के देखो पैसे नहीं लगते बिल्कुल, देखो बिल्कुल फ्री है, इनको करें बिना बिल्कुल मत जाइए, कुछ भी अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में नेक्स्ट वंडरफुल रेमेडी के साथ, टिल देन बाय बाय।